आज हम बागवानी में एक ऐसा फूल लगाएंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, और फूल लगाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे लगाते हैं। और तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा फूल लगता है। ये पर्पल कलर का रूलिया फ्लावर है, काफ़ी सुंदर फूल होता है। हर फूल अपने आप में काफ़ी खूबसूरत होता है, तो देखते हैं इसको, इस पौधे को लगा कर आप देखें कितना सुंदर फूल आते हैं इसमें। तो ये मैं छोटे से कप में एक छोटी सी टहनी लगाऊंगी। तो इस तरह से आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में लगा सकते हैं, और आप किसी भी साइज के पॉट में लगा सकते हैं। तो इसमें टहनी मैंने लगाया है, देखते हैं इसको कि जल्दी होता है, कैसा होता है। तो छोटी सी कटिंग इसमें लगाऊंगी, और इस कटिंग को देखिए लगाया था तो काफ़ी हेल्दी पौधा है, काफ़ी अच्छा पौधा है, और ये चल रहा है, काफ़ी सुंदर पौधा चल रहा है। तो ये ऐसा पौधा है कि छोटी से छोटे पॉट में और बड़े पॉट में बड़े आराम से चलता है, और ये दो तरह से लग जाता है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप कटिंग कितनी भी छोटी कटिंग लगा दें या ये बिल्कुल चल जाता है, तो बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसमें ज़्यादा खाद और ज़्यादा केमिकल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सादे गोबर की मिट्टी, गोबर और मिट्टी मिलाकर खाद बन मिट्टी तैयार कर लें, और इसमें आप कटिंग लगा दें। इसके बीज भी हैं तो या तो बीज से लगा दें, इस तरह से छोटी सी कटिंग लगा दें, अब इतनी बड़ी कटिंग भी हो जाएगी अच्छे से। अब देखिए इसने इस तरह से आप लगाएंगे कटिंग छोटी छोटी, अब ये पहले मैंने लगा रखा था तो सारी कटिंग हो गई हैं, जितनी भी कटिंग लगाई थी सभी हो गई हैं। कुछ तो अच्छी ग्रोथ पर है, ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ छोटी भी हैं, और सब कटिंग हो गई हैं, और इसमें अब फूल आने शुरू हो गए हैं। अगस्त में ही आने लगते हैं, अगस्त से ही फूल आ रहे हैं और काफ़ी फूल आ रहे हैं। इसमें अब थोड़ा सा आ रहा है कि कटिंग लगाई थी और जल्दी ही लगाई है, ये पुरानी कटिंग नहीं है, और देखिए हर एक कटिंग हो गई है। तो इस तरह से इस पौधे की आप कटिंग भी लगा देंगे, छोटा सा छोटी छोटी कटिंग लगा देंगे, और इसके साथ बीज बन जाएगा तो आप बीज से भी लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर पौधा होता है, बीज से भी आसानी से लगा सकते हैं, और कटिंग से तो लगता ही लगता है, बीज से भी लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ग्रोथ हो रही है, और ये कटिंग से लगाई थी, जल्दी ही लगाई थी, एक मंथ हो गया होगा, और ये गमला मैंने कुछ 4-5 महीने पहले लगाया था, क्योंकि पुराना पौधा था तो वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, ज़्यादा बड़े बड़े फिर टहनियाँ लटकती हैं, तो उनको सबको मैंने कटिंग कर दी थी और बिल्कुल छोटी छोटी नई कटिंग लगा दी थी। तो देखिए इसमें अगस्त से ही फूल आ रहे हैं, और वो इतने फूल आते हैं कि पूरा गमला भर जाता है और बहुत अच्छा लगता है, और पर्पल कलर का होता है, और देखिए कितना सुंदर फूल आ रहे हैं, कितना अच्छा पौधा है, काफ़ी खूबसूरत फूल है। तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं, अपनी बागवानी की शोभा बढ़ा सकते हैं। ये बड़े आसानी से लग जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, और छोटी छोटी कटिंग लगा दें, गमला भरा भरा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, और देखिए, और कोई केमिकल नहीं, कोई दवा नहीं, कोई छिड़काव नहीं, नॉर्मल सादा पानी डालें आप, जैसे हर पौधों में डालते हैं सादा पानी आप डालेंगे, और एक बार मिट्टी में आप गोबर की खाद मिलाकर डाल दें, दोबारा खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप कुछ सीजनल टाइप का पौधा है, परमानेंट नहीं पौधा तो रहता है लेकिन फूल परमानेंट नहीं आते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो धीरे 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 पत्तियाँ कम हो जाती हैं, तो फिर जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है,
आप देख सकते हैं कटिंग से कितने सारे गमले लगा रखे हैं। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा ज़्यादा खाद की केमिकल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से साधारण गोबर और मिट्टी की खाद बना लें। एक बार मिट्टी की खाद बना, मिट्टी में गोबर मिला लें और आप पौधा लगा दें, कटिंग लगा दें या बीज डाल दें। और इसके बीज तो ऐसे होते हैं कि फली होती है, और जो अब फली तो मैंने नहीं रखी है, तो अपने आप ही ये किसी भी गमले में सदाबहार जैसे जम जाता है, इधर उधर उस बिल्कुल सदाबहार की तरह से फली होती है, बहुत हार्ड फली होती है। तो वो अपने आप ही इधर उधर फट के फली निकल जाती है और दाने गिर जाते हैं, तो वैसे भी उग जाता है। बहुत ही इजी पौधा है, बहुत ही लगाने में बहुत ही इजी है, आसानी से ग्रो हो जाता है, आसानी से अपने आप ही कितने गमलों में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर फूल है। और ये कटिंग से ग्रो कर लें या बीज से ग्रो कर लें, ये छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, तो काफ़ी सुंदर फूल आ रहा है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है। और पॉट भी बिल्कुल छोटा सा है, कप है, नॉर्मली कप जो चाय का यूज होता है वो तो हमेशा निकलते ही रहते हैं, तो उनका भी बागवानी में यूज कर लेते हैं कभी कभी। जो थोड़े बड़े कप होते हैं उनमें पौधे लगा सकते हैं, अच्छे पौधे चलते हैं कप में भी। तो जो बड़े कप होते हैं अच्छे लगते हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ दिनों तक रख सकते हैं। वैसे तो बागवानी में तो फिर टूटेगा ही नहीं, और पौधा लगा कर आप रख देंगे। तो इस तरह से देखिए कप में लगाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत पौधा चल रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही, छोटा सा। और एक पॉट में यहाँ भी मैंने कटिंग लगा रखी है, ये अभी जल्दी ही लगाई है, थोड़े दिन पहले, दो तीन हफ्ते हो गए होंगे, शुरुआत में लगाई थी इस मंथ के। तो कटिंग तो लग गई है बिल्कुल, लेकिन अभी फूल नहीं आ रहे हैं इसमें। तो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।